तो आज हम बनाएंगे गोभी के कोफ्ते। तो गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फूल गोभी लिया है जिसे हमें अच्छे तरीके से ग्रेट करना है। तो आप इसको ज्यादा बारीक जो है आपको कद्दूकस नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम तरीके से इसको ग्रेट कर लेंगे। मैंने अपनी गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन। तो यहाँ पे मैंने 3 लहसुन लिए है जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। साथ में इसमें डालूंगी मैं 3 बारीक कटी हरी मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जितना ही जीरा पाउडर, 1 टीस्पून खड़ा जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक, नमक भी हम यहाँ पे अभी 1 टीस्पून जितना ही डालेंगे, बाद में अपनी हम ग्रेवी में डालेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी ही, और इसको डाल के मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, तो अब मैं इसमें डालूंगी बेसन। तो बेसन हमें बाइंडिंग के लिए डालना है ताकि हमारे कोफ्ते फटे ना। तो यहाँ पे मैं अभी 3 टेबलस्पून जितना बेसन डाल रही हूँ और एक बार इसको मिला के देख लेती हूँ, तो बाद में हम अपनी जरूरत के हिसाब से मिक्स करेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें मेरे को 3 टेबलस्पून बेसन ही लगा है, और ये देखिए ये अब अच्छे से ये बाइंड भी हो रहा है। तो इससे ज्यादा मैंने इसमें बेसन नहीं डाला है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा बेसन डाल सकते हैं। तो अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो मैं इसको फ्राई करूंगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे पैन गरम करने के लिए रखा है। तो मैं यहाँ पे कोफ्ते को डीप फ्राई नहीं करूंगी, शैलो फ्राई करूंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े से ही ऑयल में इसको फ्राई करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो हम इसको ऑयल को भी थोड़ा गर्म कर लूंगी। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे अपने कोफ्ते, तो शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आपको जैसी भी अपने कोफ्ते की शेप देनी है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो एक एक करके आप इसमें डालें। कोफ्ते मेरे एक साइड से हो चुके हैं, लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है बिल्कुल। तो इसको मैं पलट लेती हूँ, तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए आप इसको अच्छे से पकाएं। ये हमारे कोफ्ते देखिए अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, तो आप इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ मैं। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 बड़े चम्मच तेल, इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून जीरा। अब इसमें डाल दूंगी मैं बारीक कटा हुआ प्याज, तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है। और इसको अब मीडियम फ्लेम पे मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करूंगी, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज मेरा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्च और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी 1 टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर के साथ 5 से 6 लहसुन और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का साथ में इसको प्योरे बना लिया है, तो मैं ये इसमें डाल देती हूँ। आप चाहे तो अलग से अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। अब इसको हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से। तो अब मैं अपनी ग्रेवी में दही डालूंगी, तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच दही लिए हैं, इसी में मैं अपने सारे मसाले डाल दूंगी। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, साथ में मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तो ये तीखा कम होता है। साथ में इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार, तो नमक हमारे कोफ्ते में भी है तो उसी हिसाब से डालें। अब ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इस मसाले में मैं अपने दही और मसाले का पेस्ट मिक्स कर लूंगी, और बिल्कुल आपको गैस का फ्लेम लो करना है और
और इसको अच्छे से इसमें मिला लीजिए। डालने के बाद दो से तीन मिनट इसको बिल्कुल अब हम लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि दही भी पक जाए चलाते हुए। तो ये देखिए मैंने अब मसाले के साथ दही को भी अच्छी तरीके से पका लिया है और देखिए अब ये हमारा जो मसाला है कितना बढ़िया पका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी यहाँ पे 1.5 चम्मच जितना बेसन। तो बेसन से हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है, तो आप इसे ज़रूर डालें। इसको भी इसके साथ 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पका लूंगी। तो ये बेसन भी देखिए अच्छी तरीके से भून गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो आपको पानी आप अपने हिसाब से डालें, आपको ग्रेवी थिक चाहिए या थोड़ी पतली चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी डाला है। पानी डाल के मैं इसको 1 उबाल आने तक का जो है इसको ढक के छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद हम इसमें अपने कोफ्ते डालेंगे। तो हाई फ्लेम पे इस पर 1 उबाल आने का हम वेट करेंगे। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें अपने कोफ्ते डाल देती हूँ। कोफ्ते डालने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तब हम अपने कोफ्ते करी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से जो है हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से तैयार हुई है। तो लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर और साथ में बारीक कटा हरा धनिया और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे गोभी के कोफ्ते बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो आप इसे रोटी चावल पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अपने आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए।